हाँ बेटा, अब हमारा नया टॉपिक है। द टॉपिक इज नरेशन। फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट इज नरेशन। नरेशन इज एक्चुअली द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर, दैट इज कॉल्ड नरेशन। देर आर टू मेन वेज ऑफ रिपोर्टिंग द स्पीकर, दे आर डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सी, इन डायरेक्ट नरेशन वे राइट एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, एंड इन डायरेक्ट नरेशन वी हैव रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, आई से टू हिम, कामा इनवर्टेड कामाज बिगिन, ही इज माई फ्रेंड, फुल स्टॉप कामाज क्लोज। दिस इज डायरेक्ट नरेशन। इन दिस डायरेक्ट नरेशन वी हैव रिपोर्टिंग वर्ब, इट इज ऑल्सो नोन एज रिपोर्टिंग क्लॉज, एंड रिपोर्टेड स्पीच विच इज ऑल्सो नोन एज रिपोर्टेड क्लॉज। ओके, सो वॉट इज दिस रिपोर्टेड क्लॉज आर रिपोर्टेड स्पीच। इन रिपोर्टेड क्लॉज आर रिपोर्टेड स्पीच वी हैव द वी कैन एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, वी कैन से दैट इट इज द लिटरल रेपुटेशन ऑफ द वर्ड्स स्पोकन बाय समवन। लिटरल रेपुटेशन ऑफ द वर्ड्स स्पोकन बाय समवन, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। एंड वी राइट दिस रिपोर्टेड क्लॉज इन इनवर्टेड कॉमास। ये इनवर्टेड कॉमास इनका काम क्या है? टू हाईलाइट एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। दीज इनवर्टेड कॉमास हाईलाइट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर, ही इज माई फ्रेंड। ओके, हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब में हमें से होता है, सेड होता है, टेल होता है, दैट यू विल सी। और जो इनडायरेक्ट, इसको हम फिर इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। हमें क्वेश्चन आता है, चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन? इनडायरेक्ट नरेशन इज रिपोर्टिंग व्हाट अ पर्सन सेड विदाउट एग्जैक्टली कोटिंग हिम। वुड नॉट राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन इनडायरेक्ट नरेशन। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते हैं, उसी का हम बताते हैं इन आवर ओन वर्ड्स। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग द नरेशन, इस नरेशन को डिस्कस करने से पहले एक अहम चीज आपने याद रखना है। व्हाट इज दैट? ये आपने जबानी याद करना है। ये आपने याद किया तो आधी नरेशन तो आपकी ठीक हो गई। वो आपकी क्या, क्योंकि इसमें मोस्टली कन्फ्यूजन होता है। आप याद रखो आपकी जगह फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड, थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड। फर्स्ट पर्सन, यू नो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आता है आई, हाज, वी, माई, आवर, मी, अस, दे आर फर्स्ट पर्सन। आई वी सब्जेक्टिव, माई आवर पॉजेसिव, मी अस ऑब्जेक्टिव, दे आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन्स। ये मैंने आपको प्रोनाउन में, प्राइमरी, हाँ, प्रोनाउन्स में मैंने आपको ये पढ़ाया है। अगर आपको ये क्या सो कहते हैं कि ये सीखना है, यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड देयर यू विल फाइंड लेक्चर ऑन प्रोनाउन्स एंड यू विल कम टू नो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स। सेकंड पर्सन में हमें आता है यू और यूअर। यू एज सब्जेक्ट भी यूज होता है, एज ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूलर भी होता है, एंड यूअर इज इट इज पॉजेसिव फॉर्म, सिंगुलर भी प्लूलर भी। और जो थर्ड पर्सन है, इसमें हमें है ही, शी, इट, दे, हिम, हर, पहले ऐसे लिखेंगे हिज, हर, हिम एंड देम, दे आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स। ये जो फर्स्ट पर्सन आई, वी, माई, आवर, मी, अस, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन में सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, यूअर, दे चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स ही, शी, इट, दे, हिज, हर, हिम, देम, दे रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट,
थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं फिर दे दूंगा एग्जाम्पल आपको। आई से टू हिम, यू कॉमा एनोटी कॉमा बिगिन, यू आर माई फ्रेंड। लेकिन एक चीज याद रखना, मैंने बताया कि जब हम ये डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कॉमा करते हैं, देन वी राइट रिपोर्टेड स्पीच इनवर्टेड कॉमास है टू हाईलाइट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ये मैंने आपको बताया ना, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच पहले भी आ सकता है। वो कैसे, अगर मैं ऐसे लिखूंगा, यू आर माई फ्रेंड, तो ये इनवर्टेड कॉमास में है, लेकिन याद रखना उस वक्त इनवर्टेड कॉमास के अंदर यहां कॉमा लिखना है, फिर उसके बाद हमने रिपोर्टिंग वर्ब लिखना है आई से टू हिम। अगर पहले फिर फुल स्टॉप, अगर पहले रिपोर्टेड स्पीच हमने लिखा ना, तो यू आर माय फ्रेंड कॉमा इनवर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहे हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहे हैं, उसके बाद आई से टू हिम, फिर फुल स्टॉप। तो जो इनवर्टेड कॉमास में जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड क्लॉज। इसमें एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर होते हैं, और इसके बाहर जो है ये क्या होता है, नहीं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, तो अब फिर मैं आऊंगा यहां, तो अब ये है रिपोर्टिंग वर्ब आई से टू हिम या रिपोर्टिंग क्लॉज, ये है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज। ये मैं जो कहता है ना, फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, व्हाट डज दिस मीन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट मीन्स फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग, सॉरी फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी जगह फर्स्ट पर्सन है, दैट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहां मुझे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है माई, इसको मैंने चेंज करना है सब्जेक्ट में। किस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करेंगे, हमें प्रोनाउन चेंज होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। वो कैसे चेंज होते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी जगह फर्स्ट पर्सन है, दैट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट है इसका, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इट इज ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन की जगह है, देखो यहां जो है यू इज सेकंड पर्सन, इट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन है किसी जगह, हिम है, हिज है, नेम है कोई, तो दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, उसमें चेंज नहीं होती है, वो थर्ड पर्सन ही रहता है। तो ये आपने जबानी याद करना है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड। व्हाट डज दिस मीन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, इट मीन्स फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इनटू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। वेरी गुड। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। एंड थर्ड पर्सन इफ यू हैव एनी इन रिपोर्टेड स्पीच, दैट मीन्स अनचेंज्ड, उसमें चेंज नहीं होता है। और ये भी अब आपको पता है, फर्स्ट पर्सन में आता है मैं, आई, वी, माय, आवर, मी, अस, सेकंड पर्सन में यू, यूअर, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, हिज, हर, हिम, देयर, सॉरी देम, देयर, ओके, तो वो है थर्ड पर्सन, देयर मीन्स अनचेंज्ड। अब देखो बेटा, अब और एक चीज आपने, अहम चीज इसमें आपने सीख रहे हैं, वो क्या है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब, अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। टेंस मैंने आपको टेंस में पढ़ाया, टेंस मीन्स वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, बिकॉज मैंने आपको बताया वहां टेंस इज रूल्ड बाय वर्ब, विद द हेल्प ऑफ वर्ब वी आइडेंटिफाई टेंस। आप समझ रहे हो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर मैं ऐसे कहूं आई से टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, यू हैव रिटन ए बुक, फुल स्टॉप कॉमास क्लोज, आई से टू हिम, देखो से, से इज प्रेजेंट वर्ब, देयरफॉर रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट। अगर विल से या शैल से होता, वो होता फ्यूचर, तो रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर। अगर सेड होगा, से का पास्ट है सेड, देन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। फिलहाल हम प्रेजेंट का करते हैं,
इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, से है आपको या शल से या विल से है आपको, ये हमने टेंस में पढ़ा है। वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म अगर आपको है इट इज प्रेजेंट, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट या अगर आपको है शल विल प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म दिस इज फ्यूचर। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस जो होता है, वर्ब जो होता है वो वही रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है, अलबत्ता प्रोनाउन चेंज होंगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, प्रोनाउन चेंज होंगे। लेट मी गिव यू द एग्जांपल, मैं आपको यहां एग्जांपल दे दूंगा। देखो बेटा, और एक चीज आपने याद रखना है, जब हम चेंज करते हैं यहां से टू अगर हो, ये टेल में चेंज होता है। ये कब टेल में चेंज होता है? जब आगे असर्टिव सेंटेंस हो। असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव या नेगेटिव, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट एंड एंड विद फुल स्टॉप इट इज एन असर्टिव सेंटेंस। इसमें फिर अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ठीक है। अब अगर हमें असर्टिव सेंटेंस है, देखो इट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट एंड विद फुल स्टॉप, तब से टू होता है चेंज टेल में। या अगर हमें सेज टू है, सेज टू इट चेंजेस इनटू टेलर्स, ये टेलर्स में चेंज होता है, आप समझ रहे हो। और जो है कामा इन्वर्टेड कामाज, जब हमें इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ये कामा इन्वर्टेड कामाज ये ऑमिट होते हैं, इनकी जगह हम क्या करते हैं यूज दैट। कामा इन्वर्टेड कामाज क्या होते हैं? ऑमिट होते हैं, ये खत्म होते हैं, और यहां कंजक्शन दैट होता है यूज। मैं आपको यह एग्जाम्पल दे दूंगा। देखो मुझे है ना आई से टू हिम, मैंने कहा आई से टू किसमें चेंज होता है? टेल में, क्योंकि यहां अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा आई टेल हिम, कामन यूनिट कमर्स में चेंज होता है दैट में। अब हमें है यहां यू, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। पर्सन स्पीकिंग इज फर्स्ट पर्सन, पर्सन स्पीकिंग फर्स्ट पर्सन, पर्सन स्पीकिंग टू जिसके साथ बात करेंगे सेकंड पर्सन, पर्सन स्पीकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, तो इट इज पर्सन स्पीकिंग टू यू, तो इट इज सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मैंने बताया, सेकंड पर्सन चेंज इन टू ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज इन टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट इज हियर हिम। अब देखो, अब ये सेंटेंस यहां स्टार्ट होगा ना, तो आप देखेंगे हिम की यहां क्या है, यू किस जगह है, सब्जेक्ट की जगह है इस सेंटेंस में, तो वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट टू फॉर्म ऑफ हिम। हिम में यहां से नहीं लिखूंगा हिम की सब्जेक्ट टू फॉर्म, व्हाट इज द सब्जेक्ट टू फॉर्म ऑफ हिम? द सब्जेक्ट टू फॉर्म ऑफ हिम इज ही, दैट ही, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखा है मैं फिर कहता हूं यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड देयर यू विल कम, आप वहां आओ, आप वहां क्लिक कर लो, प्रोनाउन जहां मैंने पढ़ाया है वहां वो लेक्चर आप देखिए, वहां आपको ये सब समझाएगा, सब्जेक्ट टू फॉर्म, ऑब्जेक्ट टू फॉर्म, पजेसिव फॉर्म, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो हिम यहां ही में चेंज होगा, दैट ही। अब एग्रीमेंट ऑफ वर्ब इन सब्जेक्ट, ये भी मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरीज में पढ़ाया है, ठीक है। ही के साथ हैव नहीं लगेगा, आप ही के साथ हैज लगेगा, दैट ही हैज रिटन, वर्ब सेम रहेगा, हैज रिटन, हैव रिटन, हैज रिटन ए बुक, फुल स्टॉप। अब कामन रिटन कामा जो वो ऑमिट हुए, तो मैंने क्या लिखा, आई टेल हिम दैट ही हैज रिटन ए बुक। वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू हियर, आज मैं और एक एग्जाम्पल दे दूंगा। अगर मैं कहूंगा शी सेज टू मी, शी सेज टू मी, कॉमन विल कमल बिगिन, ही इज योअर फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज। यह है ना असर्टिव सेंटेंस, तो सेज किसमें चेंज होगा? टेल्स में, वेरी गुड। तो मैंने कहा शी टेल्स मी, कॉमन विल कमल के पहले क्या लिखूंगा मैं, दैट। अब ही है, ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, वेरी नाइस, थर्ड पर्सन मीन्स अनचेंज्ड, तो ही रहेगा, ही इज, इजी रहेगा, टेंस में चेंज नहीं होगा। यूअर, यूअर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज इन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहां, मी, मी की पॉजिटिव फॉर्म क्या है, माय, ही इज माय फ्रेंड। तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इट इन माय नेक्स्ट लेक्चर, तो उस वहां हम अच्छी तरह सीखेंगे। इसमें हमें इंट्रोगेटिव्स आते हैं, इसमें हमें जब वेल रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, तो तब क्या टेंस में चेंजेस होते हैं, वो कैसे होंगे चेंजेस,
और हमें इंपरेटिव सेंटेंसेस में है, हमें इसमें ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, सजेशंस है, प्रपोजल्स है, ऑल वी विल डिस्कस इन कमिंग लेक्चर्स. होप यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वाचिंग माय लेक्चर्स. इंशाल्लाह डेफिनेटली माय लेक्चर्स विल बेनिफिट यू इन योर एग्जामिनेशन. थैंक्स.